हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जॉय ऑफ गार्डनिंग। तो आशा करते हैं आप सबका प्लान्स और गार्डनिंग बहुत अच्छा से चल रहा है। अभी सर्दी के टाइम पे क्रिप्टेंसास को हम लोग थोड़ा धूप में रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने धूप में भी रखा है और जो पॉप मैंने लास्ट टाइम दिखाया था उसको मैंने सेपरेट भी कर दिया है और इसको छोटा सा एक क्यूट सा पॉट में मैंने लगा दिया है। तो मैं सामने लाती हूँ इन सबको। सर्दी के टाइम में दिसंबर जनवरी सामने रहता है तो थोड़ा धूप आने से इन सब का कलर और भी निखर आता है, क्योंकि यू नो इनडोर रहने से थोड़ा कलर थोड़ा तो फेड होता ही है। तो फिर मैं इन सबको फेब्रुआरी मिडिल के बाद फिर इन सबको पूरा शेड में ले जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, दिसंबर में हम लोग, मैंने ऑलरेडी दिसंबर में गार्डनिंग रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो एक दो में बोल ही चुकी हूँ। आज का वीडियो मैं जैसे कि एवरी वीक एक वीडियो बनाती हूँ कि जिसमें मैं आप लोग ना होल वीक में मेरे से जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसका रिप्लाई मैं देना ट्राई करती हूँ। तो आज का वीडियो भी वैसा ही है। तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं है, हम लोग जनरल बातें करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यू नो आप लोग बहुत फ्रेंड्स मेरे से पूछ रहे हैं, स्पेशली जो नए जुड़े हैं, कि यू नो मैं प्लान्स वगैरह कहाँ से ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अपने लोकल नर्सरीज गुवाहाटी में या आसपास में जहाँ पर भी प्लांट्स मिलता है, छोटा नर्सरी बड़ा नर्सरी, मैं हर जगह रास्ते में अगर मुझे कोई नर्सरी यू नो दिख जाए तो मैं घुसती हूँ। तो मैं सिर्फ लोकल नर्सरी से अभी प्लान ले रही हूँ। बीच में मैंने एक दो बार जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने ऑनलाइन लिया था, उसका वीडियो भी ऑलरेडी है। तो अभी जो भी मैं यू नो व्हाट एवर आई एम परचेजिंग सिर्फ यू नो गुवाहाटी से ही है, दूसरा कहीं पर नहीं है। तो और एक बात फ्रेंड्स, मैं प्लान्स नो आप लोग मुझे, मैं चाह के भी किसी को प्लान्स नहीं भेज सकती हूँ। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो प्लीज़ यू नो डोंट माइंड कि मैं यू नो अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं कभी कभी यू नो रिप्लाई भी नहीं यू नो ना बोलने से अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए यू नो थोड़ा मैं रिप्लाई अवॉइड करती हूँ। तो वही बात, आशा करती हूँ कि आपके लोकल नर्सरीज में भी अभी अच्छे से प्लांट मिल जाएंगे। और सेकेंडली फ्रेंड्स, आप अभी दिसंबर का हाफ तो जा चुका है, अभी हाफ में आप कोलियस वगैरह को जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा आप ऊपर का टॉप लेवल पिंचिंग कर दीजिए, तब इन सब में थोड़ा यू नो भर जाएगा पॉट, बुशी हो जाएगा। तो और जो भी सीजनल प्लांट्स हैं उन सब का जो यू नो सूखा हुआ फ्लावर है, आप रेगुलरली इन सबको पिंचिंग करते रहिएगा और यू नो वाटर वगैरह देख देख के दीजिए। फर्टिलाइज अगर सीजनल प्लांट में आप फर्टिलाइज कर सकते हैं गोबर खाद या कंपोस्ट दे के, परमानेंट प्लांट में अभी आप फर्टिलाइज मत कीजिए। स्पेशली फ्रेंड्स, अगर आपके एडेनियम वगैरह जो भी सर्दी में अच्छे नहीं चलते हैं वैसे प्लांट्स हैं, उन सबको अभी बहुत केयरफुली रखने का टाइम है। इनफैक्ट एग्लोनिमा के ऊपर मेरे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एग्लोनिमा अभी सर्दी में अच्छा नहीं चलता है। ऑल द बहुत जगह मैंने सुना है कि एग्लोनिमा सिर्फ सर्दी में नर्सरीज में ज़्यादा मिलता है, ये सच बात है, लेकिन सर्दी एग्लोनिमा को पसंद नहीं है। अगर आपका एग्लोनिमा, मेरा ये वाला एग्लोनिमा देखिए बहुत सूख चुका था, तो ऐसा हुआ है तो अगर आपने फुल इंडोर रखा है तो थोड़ा अभी लाइट में रखिएगा और पानी एकदम कम दीजिए एग्लोनिमा में। और फ्रेंड्स, कुछ फोलियज जो प्लांट्स हैं अभी थोड़ा आपको ड्राई दिखेगा, मेरा भी देखिए ये स्टैंड इस साइड में बहुत मेरे से फोलियज प्लांट्स हैं और इन सब में अभी पहले जैसा चमक नहीं रहा जो हम लोग का यू नो मानसून में रहता है, क्योंकि इस सीज़न जो ट्रॉपिकल फोलियज प्लांट्स हैं उसका डोरमेंसी का सीज़न होता है। तो अगर आपके प्लांट्स भी थोड़ा पत्ते वगैरह झड़ रहे हैं या लेगी जैसा हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, प्लांट्स अच्छा से रिकवर कर जाएगा। और अब आप ट्राई कीजिए कि आप इस सीज़न में इन सबको रिपोर्टिंग वगैरह मत कीजिए, आप फेब्रुआरी के बाद ही रिपोर्टिंग कीजिएगा, स्पेशली बसंत पंचमी के बाद आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग फोलियज प्लांट्स। और एक बात है कि अगर कोई जैसे कि मेरा ये डिफेंड में किया, देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, अगर ऐसे पत्ता एक दो यू नो येलो हो जाए तो आप पत्ते को हटा दीजिए, मैं ये वीडियो बनाने के बाद हटा दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट्स कोई ख़राब हो रहा है, लेकिन आपका अगर ज़्यादा ऐसा पत्ता ख़राब हो रहा है तो आप इसका वाटरिंग थोड़ा यू नो चेक कीजिए, आई थिंक ज़्यादा वाटर होने से भी ऐसा होता है। और ये मेरे देखिए जो होया इधर रखे हुए हैं, इन सब का मिट्टी कितना ड्राई है अभी देखिए, फिर भी लेकिन पत्ते में अभी रिंकल नहीं आया है। जैसे मैंने होया के वीडियो में बोला था कि जब रिंकल आ जाए तभी पानी दीजिए, नहीं तो ओवर वाटरिंग होने का चांस रहता है। और मेरे कैट्स ने, ये खाली पॉट इधर था, इसको इन लोगों ने ऑब्वियसली इधर उधर कर दिया है, ये लोग खेलते रहते हैं सारा दिन। और फिर ये देखिए, ये जो मैंने सीजनल जो प्लांट रखाया था उसके साथ मैंने कुछ कटिंग, मैंने क्रिसेंथेमम का मैंने बोला था आपको कि छोटा छोटा कटिंग भी लग जाता है, तो छोटा कटिंग दो इधर एक लगा हुआ है, देख सकते हैं अभी फ्लावरिंग भी हो गया कितना छोटा कटिंग में। और फिर क्रिप्टेंथस एक लगा हुआ है, फिर ये मेरीगोल्ड का भी कटिंग मैंने लगाया था,
तो मेरीगोल्ड भी बहुत इजीली चल जाता है कटिंग से, तो अगर आपने अब तक लगाया नहीं तभी भी लगा सकते हैं। और फिर कोलियास का भी कटिंग लगाया था, और ये किसका बीज है मुझे याद नहीं क्या डाला था मैंने। तो अगर आप भी ऐसे यू नो मिक्स एंड मैच करके अपने यू नो पॉट्स वगैरह में कुछ कुछ रख सकते हैं। स्पेशली देखिए ये मेरे कैलाडियम के एक्चुअली पॉट्स हैं, तो कैलाडियम का यू नो नीचे इसका आलू है जो, लेकिन ऊपर मैंने क्या कर दिया ताकि मैं रेगुलर इसमें पानी दूँ, मैंने सीजनल फ्लावर लगा दिया है ताकि इन सबको रेगुलर देख रेख भी मिल जाए। नहीं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, वो एक इशू होता है कैलाडियम एलोकेशिया इन सब के साथ। और फिर अभी कोलियास तो बहुत सुंदर चल रहा है, अभी इस सीज़न में बहुत बढ़िया चलता है, तो आप कोलियास में भी थोड़ा फर्टिलाइज कर सकते हैं। और पानी वगैरह थोड़ा कम दीजिए कोलियास में, लेकिन शावरिंग ज़्यादा कीजिए ताकि इसका पत्ते में थोड़ा चमक आ जाए। और देख सकते हैं आप इधर भी अंदर भी मैंने बहुत छोटे छोटे प्लांट्स रखा है, स्पेशली जो यू नो गर्मी में अच्छे चलते हैं ऐसा प्लांट्स को मैंने अंदर रख दिया है ताकि इन सबको थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिले और गर्माइश ज़्यादा मिले और यू नो अच्छे रहें, कि यू नो धूप भी मिल रहा है छाव भी मिल रहा है ऐसे करके रहें। और फिर ब्रोमेलियस वगैरह में भी इस सीज़न में बहुत अच्छा होता है। देखिए ये मेरा कितना आई थिंक 4-5 प्लांट है इस पॉट में, तो इसको मैं जरूर जल्दी ही रिपोर्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये मेरा छोटा सा गार्डन का यू नो मैं एक्चुअली थोड़ा छोटा एक ओवरव्यू भी देना चाह रही थी, उसके साथ ऐसे ही जनरल बातें भी करना चाह रही थी। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यू नो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।